मैं हूं लिमटी खरे, संपादक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया। आज हम बात करते हैं देश भर में बच्चों की जो मौत हो रही हैं उस संदर्भ में। देश के अनेक स्थानों में सरकारी अस्पतालों में अचानक ही बड़ी तादाद में बच्चों की मौत से व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सियासी दल इसके मूल में जाकर किन कारणों से ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसकी बजाय आरोप प्रत्यारोप कर अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट को अगर सच माना जाए तो देश में उचित इलाज के अभाव, कुपोषण और दीगर कारणों से हर साल तकरीबन 8 लाख बच्चे असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। इसके अलावा एक और दूसरी एजेंसी की रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो देश में हर 3 मिनट में 2 बच्चे असमय ही दम तोड़ देते हैं। सियासतदारों को इस बारे में विचार करना होगा, उन्हें इसकी क्या वजह है ये खोजनी होगी, उन्हें ये देखना होगा कि ये आखिर स्थितियां निर्मित क्यों हो रही हैं, चूक कहाँ हो रही है। निश्चित तौर पर चूक कहीं ना कहीं तो है, जिसे दूर करने के लिए जिस पे राष्ट्रव्यापी बहस की ज़रूरत है। आज इस बारे में भी विचार करना होगा कि बच्चों के विकास के लिए हम करोड़ों अरबों रुपया पानी में बहा देते हैं। बच्चों के इलाज के लिए, बच्चों के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं हुक्मरानों द्वारा चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से लागू किया जा रहा है, इसे देखने सुनने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। यहाँ एक बहुत अजीब बात सामने आती है कि निजी अस्पतालों में बच्चों की मौत का आंकड़ा काफ़ी कम है। देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नवजात सहित पैदा होने के बाद से 10 साल तक के बच्चे के लिए तरह तरह की योजनाएँ संचालित की जाती हैं। सरकारी खजाने का मुंह इन योजनाओं के लिए खोल दिया गया है, आज से नहीं, सालों से ये चला आ रहा है। इसके बाद भी शिशु दर अगर बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे गफलत कहीं ना कहीं तो हो रही है, कहीं ना कहीं हमसे चूक जरूर हो रही है। जाहिर सी बात है कि सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं फफूंद लग चुकी है। देश भर में घटने वाली इस तरह की घटनाओं ने लोगों को तो हिला कर रख दिया, मगर हुक्मरानों को पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा। अगर देश में देखा जाए तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते को मानते हुए देश की सरकार ने उसे अपनाया और उस पर हस्ताक्षर कर बच्चों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी। जानकारों की अगर माने तो बच्चे के जन्म के बाद 20 दिन का समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 20 दिन का समय अगर उनके बेहतर देखभाल हो जाए तो बच्चों के बचने की, बच्चों के सर्वाइव करने की, बच्चों के स्वस्थ रहने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। 20 दिन तक बच्चे को देख रेख की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मामले में अगर 2019 की यूनिसेफ की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो एक साल में देश में लगभग 8.5 लाख बच्चे असमय ही मौत के मुंह में चले गए। 21वीं सदी में संसाधनों का अभाव और जिम्मेदारियों से बचने की जो भेड़ चाल चल रही है, दूसरे के ऊपर आरोप लगा के, हुक्मरान खुद क्या कर सकते हैं, सरकारें खुद क्या कर सकती हैं, इस बारे में विचार करने की बजाय अगर दूसरे पे तोहमत लगा के, दूसरे पे आरोप लगा के अपनी खाल बचाने की कोशिश की जा रही तो इसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। देश में स्वास्थ्य सेवाएँ और चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की अगर बात की जाए तो ये माना जा सकता है कि अधिकांश चिकित्सक, अधिकांश पैरामेडिकल स्टाफ, अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं। समय समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण में इनको नहीं भेजा जाता है, या भेजा भी जाता है तो महज रस्म अदायगी के लिए। सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएँ जिस तरीके से दम तोड़ती प्रतीत हो रही हैं उस
व्यवस्था उन व्यवस्थाओं को नए सिरे से विचार करके, नए सिरे से उस उन व्यवस्थाओं के लिए कुछ ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिसके चलते बच्चों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में, महिला बाल विकास द्वारा संचालित आंगनवाड़ियों में उनकी देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके। मानवाधिकार के हिसाब से अगर देखें तो स्वस्थ जीवन हर बच्चे का मौलिक और अनिवार्य अधिकार है। मानवाधिकारों के नाम पर झंडा बुलंद करने वाली संस्थाएं, संगठन बच्चों को के साथ इस तरीके की घटनाएं घटने के बाद झंडा बुलंद तो करते हैं, विरोध प्रदर्शन तो करते हैं, पर इसको कैसे सुधारा जा सकता है इस बारे में चिंता आज तक कोई भी संगठन, कोई भी जनता का नुमाइंदा सामने नहीं आया है। किसी सरकारी अस्पताल में अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है जहां बड़ी तादाद में मौतें होती हैं तो वहां पे जांच बिठा दी जाती है, जांच के बाद तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है या उसको कोई और दीगर सजा दी जाती है। देखा जाए तो जिस अस्पताल में ये घटना घट रही है, जिस अस्पताल में बच्चों की मौतें हो रही है, उस अस्पताल के अधीक्षण सुपरविजन करने वाले अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। वह अधिकारी ही उस पूरी व्यवस्था का, उस पूरे अस्पताल में किस तरीके से बच्चों के साथ, किस तरीके से मरीजों के साथ चिकित्सक पेश आएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ पेश आएगा, किस तरीके से उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी, इस सबकी जवाबदेही उस अधिकारी पे आहूत होती है जो अधिकारी उस चिकित्सालय का अधीक्षक होता है, सुपरविजन जो करता है। हालात देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों के मामले में हमारे नेता, हमारे जो अगुआ हैं, हमारे पायोनियर हैं, वो भी अपने भाषणों में तो बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के रखरखाव को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बयानबाजी करते हैं, पर जब उन चीज़ों को जमीनी स्तर पर उतारने की बात आती है तो सब मौन रह जाते हैं। देश में ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध सरकारों द्वारा कराई जा रही है, केंद्र सरकार हो या सूबाई सरकार, सभी इस बात का दावा करते हैं कि वे आम आदमी को निःशुल्क सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, पर इस सब के बाद भी कोई अस्पताल ऐसा नहीं होगा जहां आपको अंदर प्रवेश करते समय पर्ची बनवाने से लेके आखिरी में जब आप बाहर निकलेंगे तो पैसा ना देना पड़े। इसकी बाकायदा कुछ जगह रसीदें भी दी जाती हैं, कुछ जगह रोगी कल्याण समितियों ने, रेड क्रॉस सोसाइटीज़ ने अपने अपने कुछ शुल्क निर्धारित करके रखे हुए हैं। तो अगर ये शुल्क निर्धारित हैं तो हम कैसे मान लें कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना हुआ है जिसके तहत अगर किसी चिकित्सक को कहीं निजी सेवाएं देनी हैं तो उसको उस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो भी नियम कायदे हैं उनका पालन करना होगा। पर देश भर में देखा जा रहा है झोलाछाप चिकित्सक दीगर जगह से आके किसी दूसरे शहर में जाके सप्ताह में एक या दो बार अपनी सेवाएं देने वाले चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जेब तराशी की जा रही है। आज अगर हम इस बात को देखें तो आप ये पाएंगे कि आज से 20 साल पहले मरीज को तरह तरह की जाँच कराने की बजाय सीधे सीधे उपचार करा दिया जाता है। आज के समय में ये बात निकल के सामने आ रही है कि अगर जरूरत नहीं भी है तो चिकित्सकों के द्वारा उसकी तरह तरह की जांचें, महंगी जांचें कराई जाती हैं। दवा कंपनियां चिकित्सकों को उपकृत करती, ये बात किसी से छुपी नहीं। इसके बाद भी इस पूरे मामले में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा कदम नहीं उठाया जाना अपने आप में पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। हुक्मरान ये भूल जाते हैं कि बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे वे ही देश का भविष्य है।
आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, आने वाली पीढ़ी अगर तंदुरुस्त रहेगी तो निश्चित तौर पर देश समृद्ध और ताकतवर बनेगा। पर जिस तरीके की नीतियां चल रही हैं, जिस तरीके का माहौल बना हुआ, उसको देख के लगता नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर सरकारें केंद्रित कर रही हैं अपने आप को। आज ज़रूरत इस बात की है सरकारों को बच्चों के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।